हेलो बच्चों वेलकम टू क्रिस्टल हॉल लर्निंग प्लेटफॉर्म और चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक्स की क्लास हमारा जो चैप्टर है वो है मनी एंड बैंकिंग और आज हम कंटिन्यू करेंगे कहाँ से कमर्शियल बैंक से मींस हमने आरबीआई के बारे में सब कुछ सारी डिटेल्स देख ली थी कि आरबीआई क्या है उसके फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक हमारा मनी से रिलेटेड हम सब चीज़ें समझ चुके हैं और इवन पार्टर सिस्टम भी डिस्कस हो चुका है तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो कि है कमर्शियल बैंक सो लेट स्टार्ट कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंज़म्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेक प्रॉफिट बहुत ध्यान से समझना है आपको कमर्शियल बैंक बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरलाइन दिस वर्ड इसका मतलब होता है कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको फाइनेंस देता है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक आप लोगों से आप पब्लिक है आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है गिव लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेक प्रॉफिट और आप लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करके उन लोगों को जो कि नीडेड है यानी कि हम कह सकते हैं हमारे इंटरप्रेनियर्स को जिनको कि कैपिटल की, की जरूरत है उन सभी को लोन्स प्रोवाइड करता है फॉर द दर्पज़ ऑफ कंजम्पन एंड इन्वेस्टमेंट इट कैन ऑल्सो रेफर टू द बैंक और अ डिविजन ऑफ लार्ज बैंक विच डील विद कॉरपोरेशन और लार्ज और मिडल साइज बिजनेस टू तो यहाँ पर ये एक ऐसा बैंक भी हम कह सकते हैं या फिर डिवीज़न ऑफ लार्ज बैंक बड़े बड़े बैंक का छोटे छोटे डिविजन्स किए गए हैं जो कि हेल्प करता है हमारे मिड साइज बिजनेस को या फिर लार्ज कार्पोरेशन को रिलेटेड टू फाइनेंस मैटर्स ओके आगे देखते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इन दिस चैप्टर वी नोटेड दैट कमर्शियल बैंक आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी हमने देखा कि हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है किसका मनी सप्लाई का अनलाइक सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी यानी कि कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी नहीं होती है करेंसी इशू करने की दे के नॉट इशू नोट्स और कॉइंस कमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो सेंट्रल बैंक की तरह कॉइंस और नोट्स इशू कर दें हालांकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारा कॉइंस जो है और वन रुपी नोट वो सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता है मैंने आपसे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है और जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं एक्सेप्ट वन रुपी नोट एंड कॉइन वो इशू करता है सेंट्रल बैंक ठीक है सो द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक येट दे आर सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी वे बाय डिमांड डिपॉजिट्स ठीक है तो हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में लोन्स एंड एडवास देकर इस तरीके से जो है मनी क्या करता है मनी फॉर्म मनी रिलेटेड मैटर्स में हेल्प करता है पब्लिक की बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स यानी कि जो कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट करता है क्या कैश ठीक है आप लोगों से बैंक क्या लेगा कमर्शियल बैंक कैश लेगा और इसको बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स बैंक लेंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व समटाइम्स होता ये कि बैंक के पास जितना कैश रिज़र्व पड़ा हुआ है यानी कि जितना उनके पास एक प्रपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व है जो वो मैंटेन कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको कभी लेंड करना होता है सो मनी इज लेंड बाय कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स तो समटाइम होता है ऐसा है कि मान लीजिए कमर्शियल बैंक जो मनी लेंड करता है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं कभी-कभी क्रेडिट एंट्री के फॉर्म में करता है और ये जो क्रेडिट एंट्री होता है ना इन द अकाउंट्स ऑफ बरोअर इसको हम कहते हैं क्या सेकेंडरी डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पीपल इन कमर्शियल बैंक देन उसके बाद टोटल डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स आर मेनी मोर टाइम्स मैनी टाइम्स मोर दैन द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक कहते हैं कि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होता है हमारे कमर्शियल बैंक का वो बहुत ज़्यादा होता है मैनी टाइम्स मोर यानी कि ज़्यादा होता है किसे कैश रिज़र्व से कमर्शियल बैंक के और ये ऐसा क्यों होता है बिकॉज द कमर्शियल बैंक्स नो बाय द वे ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस डेट ऑल द डिपॉजिट वुड नॉट शो अप इन द ठीक है तो क्योंकि कमर्शियल बैंक जानता है कि जितने भी सारे डिपॉजिट्स हैं वो एक जगह तो सारे मतलब जो भी जो भी लोगों की डिमांड होगी वो एक बार में तो करेंगे नहीं तो वो जैसे जैसे पब्लिक से एक्सेप्ट करता जाता है डिपॉजिट्स वैसे वैसे वो लोन्स एंड एडवांस ग्रांट करता है ऑल डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक और वी कैन से पीपल सर्व एज मनी सप्लाई एंड इकोनॉमी जस्ट लाइक हेल्ड कैश हेल्ड बाय पीपल ठीक है तो जितने भी लोग डिमांड डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट सर्व इज मनी सप्लाई इन इकोनॉमी और जैसे कि हम लोग कैश होल्ड करते हैं सेम लाइक दैट सो डिमांड डिपॉजिट सर्विंग इज अ मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी तो डिमांड डिपॉजिट से क्या होता है कि दोज डिपॉजिट आर रीपेबल ऑन डिमांड कि डिमांड करने पर ही रीपेबल हो जाता है तो इससे होता क्या है कि ये हमारा एक तरीके से बैंक ऑफ मनी है दिस इज द मनी क्रिएटेड बाई ब्रिएट करते हैं बिकॉज दिस इज डिमांड डिपॉजिट सर्विंग द मनी सप्लाई विद द बैंक सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ मनी तो डिमांड डिपॉजिट सिर्फ कैश फॉर्म में ही नहीं होता है मनी के फॉर्म में भी होता है एंड दिस मनी इज़ क्रिएटेड बाई बैंक ये हम देख चुके हैं अच्छा नेक्स्ट देखते हैं सी आर आर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है सो so, इंडिया में जो सी आर आर है ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था फंक्शन में कैश रिज़र्व रेशियो ये कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है किसके पास करता है हमारे सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करता है तो एक प्रपोर्शन या फिर कह सकते हैं परसेंटेज जो कि आर फिक्स करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए कि आपको इतना मेनटेन करके चलना है कैश रिज़र्व मेरे पास ठीक है तो वो वही चीज़ होता है कैश रिज़र्व रेशियो ये भी डिस्कस कर चुके हैं so, सो बच्चों इस और क्रेडिट मल्टीप्लायर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ क्या होता है देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर होता कुछ ऐसा है आपने सुना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर राइट क्रेडिट मल्टीप्लायर आगे हम इस चीज़ को भी देखेंगे कंटिन्यू करेंगे बट यहाँ पे ये यह होता है कि जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है मेनली कैसे बैंक के पास एक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट यानी कि बैंक भी तो क्रेडिट क्रिएट करता है ना तो वो किस तरीके से उस क्रेडिट को धीरे 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 ग्रॉस मतलब इंक्रीमेंट करता रहता है उसमें उसमें इंक्रीज ले आता है और फिर एज अ फॉर्म ऑफ बिग अमाउंट अगर किसी ए, किसी बिजनेस को या किसी भी जिस जिस किसी इंडिविजुअल को किसी एंटिटी को या फिर किसी भी फॉर्म को अगर कोई लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर वो एज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट जो देता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ठीक है जो भी लोन और गारंटी या एडवांस जो भी देगा बट इन दैट केस ये जो अमाउंट है ये इतना ज़्यादा वो कैसे करता है तो वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर इसकी हेल्प से कमर्शियल बैंक जो है अपनी क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी को इनक्रीज करता है तो यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक मनी और बैंकिंग का फिनिश होता है आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा अगर नहीं आया है दोबारा एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज करिए एंड एक बार अगेन पूरा देखिए और मनी एंड बैंकिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने चीज़ें देखी हैं इवन डिस्कस की हैं वो यही है कि सबसे पहले मनी की डेफ़िनेशन उसके बाद बाटर एक्सचेंज और आज यानी कि टुडे अगर हम देखें तो मनी इंट्रोड्यूस हुए हमारे कंट्री में तो मनी का आज इंट्रोडक्शन और पिछले टाइम में ओल्डन डेज में जब हम देखते थे कि बाटर एक्सचेंज था इन दोनों में आज क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं वो चीज़ें आती हैं तो उसे एक्सप्लेन करना होगा इवन वो कुछ एक पॉइंट्स पूछ लेगा कि बताइए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांड्स है उसका मतलब क्या है स्टोर ऑफ वैल्यू है मेजर ऑफ़ वैल्यू है ये कैसे बाटर सिस्टम सिस्टम में एक बहुत बड़ा कॉन्स बन रहा था राइट right? डिसएडवाटेज था ये चीज़ आती है फिर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दूसरे नंबर पे था इस चैप्टर में वो था कि फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यू मीन सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको एक एक सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है रीड करना है और जब हम मूविंग अहेड कमर्शियल बैंक के टॉपिक में आए तो सिर्फ कमर्शियल बैंकस के कुछ फंक्शंस ध्यान में रखने कि डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट करता है लोन ग्रांट करता है और आप जो इसका अभी कुछ फंक्शन होता है प्राइमरी सेकेंडरी ये सारी चीज़ें किस तरीके से तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देखना है बस इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट यही है तो इस टॉपिक के साथ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं ओके बच्चों थैंक यू